हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डू एन आर्टिकल ऑन लिव एंड लेट लिव। इट मीन्स जियो और जीने दो। गॉड हैज़ क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वल। भगवान ने सभी को बराबर बनाया है। एवरी वन हैज़ राइट टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। हर किसी का अधिकार है कि वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। समवन हैज़ राइटली सेड दैट गॉड मेड कंट्री एंड द मैन मेड टाउन। तो किसी ने सही कहा है कि भगवान ने तो कंट्री बनाया लेकिन आदमी ने उसके छोटे छोटे कस्बे तैयार कर दिए। इट मीन्स आदमी ने डिफरेंसेस पैदा किए। इट मीन्स ऑल द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन आर मैन मेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो जाति भेद है या रंग भेद है या फिर धर्म के आधार पर भिन्नता है, वो सारी आदमी के द्वारा की गई है। अब्राहम लिंकन सेड दैट वी शुड एक्सटेंड लव टूवर्ड्स ऑल। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हमें सभी के प्रति प्रेम से रहना चाहिए। ही डिड मैनी थिंग्स टू ब्रिंग पीस एंड रिमूव स्लेवरी इन हिज कंट्री। तो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे उसके देश में शांति आए और उसने गुलामी को भी ख़त्म किया। वी सी मैनी इंसिडेंट्स ऑफ क्रूएल्टी, हेटर्ड एंड ऑनर किलिंग अराउंड अस। तो हम बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं जो कि क्रूएल्टी या फिर हेटर्ड के या फिर ऑनर के लिंक के होते हैं। दिस इज़ वेरी बैड फॉर मैनकाइंड। ये आदम जाति के लिए बहुत ही बुरी बात है। द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी सीन टू वर्ल्ड वॉर्स विच कॉज्ड ब्लड शेड एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये दुनिया पहले ही दो विश्व युद्ध देख चुकी है जिसकी वजह से काफ़ी खून बहा और तबाही हुई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हजारों लोग मारे गए। एंड बिकेम होमलेस और बेगर हो गए। अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉज अ ब्लैक डे इन ह्यूमन हिस्ट्री। अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था वो एक काला दिन था। वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दीज इंसीडेंट्स। तो ये वाली घटनाएँ जो हैं इनसे हमें सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। महात्मा गांधी टॉट अस द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। तो महात्मा गांधी जी ने हमें पाठ पढ़ाया था अहिंसा और शांति का। एवरी वन हैज़ राइट टू लिव फ्रीली एंड हैप्पीली। मैनी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे प्रबंध किए गए जिससे जो जानवर हैं वो प्रोटेक्ट हों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो। मैनी सेंट्स आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ लव एंड पीस। बहुत सारे संत जो हैं, महात्मा जो हैं, वो शांति और प्रेम का संदेश जो है वो फैला रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स द आइडियल ऑफ लिव एंड लेट लिव। तो ये जो जियो और जीने दो वाली लाइन है इसके ऊपर ये बिल्कुल सही स्टेप है। ये जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, एट लास्ट वी शुड मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। तो अंत में हमें इस दुनिया को एक बढ़िया जगह बनाना है रहने के लिए। थैंक यू।